कर्स क्राफ्ट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइस आज हम बनाने वाले हैं अपना डायमंड का आर्मर, क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी मेगा बेस की लोकेशन को ढूंढने के लिए। गाइस मैं बहुत सारे काम ऑफ कैम करता, जैसे वो मतलब माइनिंग हो गए, अब ये सब दिखाने लिए बोरिंग चीज़ हो जाती है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कहाँ से माइन करता हूँ। बिटवीन गाइस ये जो आप बेस देख रहे हो ये AIUG2 का है, मैं भी इसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा, वो अपनी वीडियो में खुद आपको दिखाएंगे और वो थोड़ी सी लेट ही वीडियो अपलोड करेंगे किसी कारण। और ये गाइस ये मेरा बेस है जो मैंने आउटलाइन बनाई थी, ये बेस मैंने बना दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे गेट कहाँ गया, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ज़ोंबी ने तोड़ दिया होगा। और ये इसके जो इस साइड है मैंने थोड़े कैंपफायर लगाए हैं, बस ऐसी ये डेकोरेशन है, और पर इसका कैंपफायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और गाइस इस बेस की लोकेशन मतलब सॉरी जो बेस है इसकी जो मतलब बेस के बिल्ड है वो मैंने मतलब कहीं से लिया है, और उसका मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन यानी कि जो उस बंदे का जो चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसकी लिंक, आप जाओ लिंक पर और आप भी ऐसे ही घर बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिर भी अपना मैं आपको ऊपर से भी दिखा देते हैं, थोड़ा छोटा है पर ये स्टार्टर बेस लाइक है कि हाँ इसमें मैं अपना चेस्ट रख सकूँ, और इधर मैंने अपना बेड रख रखा है। और मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूँ कि ये इसकी छत है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ये ऊपर किसी ने अभी पेड़ उगा दिया था। इसको बंद करते हैं। और ये गाइस हमारे जो न्यू मेंबर हैं ब्लेज रेडएक्स, ये उनका घर है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा है। और ये फिर आगे वाला जो हमारे एक और न्यू मेंबर हैं, इसका नाम है कचरा सेठ प्रॉपर्टी। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छे, अब मैं आपको माइन की तरफ लेके चलता हूँ, आप इंजॉय करो माइन को। मैंने अभी ध्यान दिया कि जो मेरी आयरन की पिकेक्स थी वो पहले से बहुत ज़्यादा डैमेज थी, और अब माइन करने के लिए अगर मेरे को कुछ गोल्ड या आयरन वायरन मिलता है तो मैं उसे माइन नहीं कर पाऊँगा। और गाइज़ हमारी किस्मत देखो कि हमारे पास प्लैंक्स भी हमारी इन्वेंट्री में पहले से ही थे, और अब मैं इसकी एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। और मेरे पास स्टोन्स तो इतने हो ही गए हैं कि मैं थोड़ी सी एक दो तीन मैं अपने इसकी बना सकूँ, ये वो स्टोन कबल स्टोन की पिकेक्स बना लूँ। अब मैं अपने इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेते हैं, चलो। गाइज मैंने किस चीज़ की आवाज़ सुनी, एक बार ऊपर चल के देखते हैं। ये तो हरा, अच्छा ये तो स्लाइम है, इस स्लाइम को मार देते। गाइज हमें कई देर से डायमंड मिलने का बिल्कुल ही नाम ही नहीं ले रहा कि मतलब डायमंड मिल जाए, पर हाँ गाइज यहीं से हमने डायमंड माइन करी है। तो गाइज अभी तो हम इसको स्किप करते हैं कि मेरे को ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। अभी हम मैं माइन से बाहर निकलता हूँ, और ये जो अभी गोल्ड वोल्ड है इसको ले लेता हूँ, और फिर माइन से बाहर निकल से आपसे मिलता हूँ। उफ़ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया गाइज, वो इतनी लंबी माइन थी, मेरे को आने आने में पूरा टाइम बीत गया। अब मेरे पास जो डायमंड है मैं उन्हीं डायमंड से अपना डायमंड आर्मर बना लूँगा। गाइज मैंने आपको वो जो सीन था मतलब एक क्लिप थी जिसमें मैंने डायमंड अपने जिस भी सीक्रेट जगह से निकाली थी वो जगह मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कर्स क्राफ्ट के मेंबर भी इसको देखते, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामान चोरी हो। फिलहाल ऐसा कोई करता तो नहीं है, पर फिर भी सिक्योरिटी करनी चाहिए। मैं अपने डायमंड का आर्मर पहना लेता हूँ, और मैंने लगभग पहन लिया, उसको भी मैं एन्चेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी मतलब इनफ एक्सपी नहीं है। मैं इसको पहन के देखता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ, वो हेलमेट भी पहन लेते हैं, लेगिंग भी ठीक है। और अभी भी हमारे पास 17 डायमंड्स बच गए हैं, और चलो बहुत है अभी हमारी, इस पर जब हम अपना आर्मर लगाएंगे फिर इसको नेदरराइट का ही बना लेंगे, कोई बात नहीं। अब हम अपने मेगा बेस की तरफ चलते हैं अपने घोड़े पे बैठ के। तो गाइस आप इसको मैंने स्पीड कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ कि वो दूर है, तो आप इंजॉय करो। वेल डेविल ने भी अपनी मेगा बेस की लोकेशन ढूंढ ली है, हम भी चलते हैं, अपना करीब ही है बस। Falling to the dark side, we don't need the light.
गाइस इतनी देर के बाद हमें एक जगह मिली और ये जगह भी कई हद तक ठीक है, पर मैं इसको आसपास एक्सप्लोर करूँगा। अगर मेरे को इससे भी अच्छी जगह मिलती है तो वो हम पर अपना मेगा बेस बनाएंगे। और गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।